देखो अगर मैं किरचॉफ लॉ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये सैंपल न्यूमेरिकल है, इससे तुम सीख जाओगे और कोई भी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में 20 ओम का प्रतिरोध, ये दिख रहा है 20 ओम का प्रतिरोध, उसमें धारा का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो डायग्राम कैसा भी आ सकता है, देखो उसमें सारे रेजिस्टेंस तो उसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि इनको पता करने का हमारे पास कोई और जरिया नहीं होता। बैटरी सब देनी ही पड़ेंगी उसे क्योंकि हम कहाँ से पता कर लेंगे। बस वो क्या कर सकता है, जैसे नाम न दे ए बी सी डी ई एफ, तो ये अपनी मर्जी से रख लेंगे, और धारा कैसी बह रही है वो भी हो सकता है वो ना दे, केवल इतना दे दे तुम्हें, बैटरी रेजिस्टेंस दे दिया बस, अब तुम्हें इसमें धारा चाहिए या इसमें धारा चाहिए या इसके सिरों पे कितना विभवांतर या इसके सिरों पे, कहीं का कुछ भी वो पूछ सकता है। तो करंट सर्कुलेशन, वैसे ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें जहाँ से क्वेश्चन लिया है वहाँ पे करंट सर्कुलेशन दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये अपनी तरफ से हटा दिया है यहाँ से क्योंकि पेपर में अगर ऐसा आ गया तो हम करंट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो तरीका वही है कि सेल के पॉजिटिव से करंट निकलती हुई मान लो और इस सेल के पॉजिटिव से भी करंट निकलती हुई मान लो, ठीक है ना। इस आदमी के दो दिल हो गए, दो तरह से करंट निकल रही थी। अब क्या है, आई वन जो है वो यहाँ से चलते चलते चली आई, आई टू जो है वो यहाँ से चलते चलते चली आई, और दोनों मिली और ये आई वन प्लस आई टू मिलकर के इसमें चली गई। फिर उसके बाद यहाँ से इधर कितनी चली जाएगी, जितनी यहाँ से गई थी आई टू इधर चली गई और बची हुई आई वन इसमें चली गई। इसका सर्कुलेशन इधर से पूरा हो गया, इसका सर्कुलेशन इधर से पूरा हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाए निकले कुछ और घुसे कुछ और, समझ रहे हो बात को। तो जितनी अमाउंट निकलेगी सेल से उतनी ही उसमें घुसनी चाहिए, अगर ऐसा है हर जगह तो हमारा जो करंट सर्कुलेशन बनाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो ही वेरिएबल है देखो आई वन आई टू, बस तीसरा बनाया ही नहीं, तीसरा यहाँ आई थ्री लिख सकते थे तो हमें फिर आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री एक तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ती, वो यूज करनी पड़ती, तो वो सब झंझट से बच गया। अब देखो हम सबसे पहले ऊपर वाली ब्रांच में इधर, तो रेफरेंस इधर ही ले लो, इन क्लोज मेश कौन सा ए बी ई एफ ए, ये वाला ए बी ई एफ ए, ठीक है। जितने प्रतिरोध हैं देखो 10 में आई टू बह रही है तो 10 आई टू हो गया, और रेफरेंस इधर है धारा भी इधर है प्लस का हो गया जाकर के, तो 10 आई टू ये इसके लिए हो गया जाकर के, ठीक है। इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ है, ये देखो 20, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई आई वन प्लस आई टू, और ये भी रेफरेंस की दिशा में ही है, देखो रेफरेंस ऐसे जा रहा है और ये भी तो प्लस हो गया, ठीक है। एक तीसरा भी रेजिस्टेंस यहाँ पे है 30 आई टू, और रेफरेंस ऐसे में आ रहा है करंट भी, ये भी प्लस हो गया है, सारे रेजिस्टेंस खत्म। अब सेल देखो, ये सेल माइनस प्लेट से प्लस प्लेट, ये ईएमएफ की दिशा है और रेफरेंस भी ऐसा ही है तो ये भी प्लस में रहेगा, तो 120 इसका जो ईएमएफ है ये भी हो गया। एक ही सेल है और कोई ना कोई प्रतिरोध बचा, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई ईएमएफ बचा इसमें, ये हम हमारा कितना हो जाएगा 10 आई टू प्लस 20 आई वन प्लस 20 आई टू होल भी दिया हमने प्लस 30 आई टू इज इक्वल टू 120। तो आई वन ये है बस, 20 आई वन प्लस 10 और 20 30 और 30 60 है ना, 60 आई टू इज इक्वल टू 120, 20 से डिवाइड हो जाएगा तो आई वन प्लस 3 आई टू इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ के अगर करोगे तो न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूमेरिकल्स कम टाइम में तुम्हें ज़्यादा नंबर दे देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है हमारी। अब देखो एक और इक्वेशन की जरूरत है तो हम क्लोज मेश ले लेते हैं, इन क्लोज मेश कौन सा बी सी डी ई बी, ये वाला मेश ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो रेफरेंस इधर कह रहा है तो ये इधर ही ले लो, ये बात मैं इसलिए कहता हूँ ना रेफरेंस उधर ही लो कि उससे मैक्सिमम पॉजिटिव आ जाते हैं, नहीं तो ये सारे नेगेटिव आते हैं फिर तुम्हें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सही रहता है। तो अब इसमें देखो 60 आई वन साइन कैसा रहेगा इसका, हाँ पॉजिटिव रहेगा, रेफरेंस इधर करंट भी इधर, और फिर उसके बाद 20 के साथ आई वन प्लस आई टू है, और साइन अभी मैंने लगा के दिया है लेकिन चेक करना है, ये देखो पॉजिटिव ही रहेगा और कोई रेफरेंस है नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू सेल एक ही है बस 65 और वो भी क्या है रेफरेंस में ही है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है ना, इसमें धारा की दिशा नहीं देखेंगे, इसमें से जो है वो अलग बात है धारा की दिशा भी सही है लेकिन इसमें ईएमएफ की दिशा देखेंगे, हाँ इसीलिए करंट हमेशा ईएमएफ सेल से निकलती हुई मानते हैं हमेशा, तो अगर गलती हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। यार
अब इसमें क्या हो जाएगा 60 i1 + 20 i1 + 20 i2 = 65। ये हो जाएगा 60 × 80 i1 + 20 i2 = 65। 5 से कटेगा बस 16 i1 + 5 = 13। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनी है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखो वही है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ दो, घटा दो। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 16 और माइनस सेकंड, ये कर दिया हमने। तो 16 i1 + 48 i2 = 16 × 46, और ये 16 i1 + 4 i2 = 13। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया 44 i2 = 2। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 1 गया 8, तो i2 = 2। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 1.88 एम्पियर, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो ये थोड़ा अजीब सा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर है, i2 इतना आ गया। अब इसके बाद i2 की वैल्यू तुम जो है वो रख दोगे फर्स्ट में, तो सब्स्टिट्यूटिंग i2 इन फर्स्ट, तो यहाँ से i1 + 3 × 1.88 = 6, यहाँ से i1 = आ जाएगा 0.34 एम्पियर, ये आ रहा है। अब देखो होता यह है कि कई बार इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब हम पहुंचते हैं तो सीधे यहीं पे आंसर कर देते हैं, जबकि आंसर ये नहीं है। आंसर जो है हमें फिर से ढूंढना है 20 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। आंसर ये तो हमने I1 I2 निकाल दिए, इससे कितनी ली गई, इससे कितनी ली गई। अच्छा, दूसरी बात ये भी ध्यान दे लो कि दोनों पॉजिटिव आई हैं, इसलिए दोनों डायरेक्शन हमने सही मानी थी। अगर कोई माइनस की आती तो वो इसका मतलब उल्टी होती, ठीक है ना। अब यहाँ पे 20 ओम में I1 + I2 बह रही है, तो अब यानी कि टोटल करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 20 ओम में धारा, ये मतलब लास्ट में बस देख लेना कि जो मार्क चाहिए था वही निकला कि नहीं। तो 20 ओम में देखो धारा कितनी, I1 + I2 यानी कि कितना हो जाएगा 1.88 + 0.34, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 × 4 = 12 2 2.22 एम्पियर, ये तुम्हारी धारा जो है वो निकल जाती है, और इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है।